मैं अभी जाने वाला हूँ केदारनाथ मंदिर, जो आप लोगों को पता है केदारनाथ मंदिर कहाँ पर है। सो हम लोग का सिलीगुड़ी में भी बनाया, दुर्गा पूजा के लिए केदारनाथ मंदिर बनाया। सो एक अच्छा मंदिर है, वो जागृत मंदिर है, सबको पता है केदारनाथ में जो जाता है उसका फल जरूर मिलता है। सो मैं अभी वहीं पर जाने वाला हूँ। सो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा केदारनाथ मंदिर में, क्या क्या है, क्या नहीं है, लाइटिंग कैसा है और कैसे बनाया। ओके, सो मेरे साथ रहिए और देखते रहिए मेरा ब्लॉग, तो चलते हैं। और जो मंदिर है केदारनाथ मंदिर, वहाँ पर जाने के लिए आपको टोटो पकड़ना पड़ेगा। टोटो भी जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। जो सेवक मोड़ है, सेवक मोड़ से आप लोग को सीधा पायल की तरफ जाना पड़ेगा। पायल से फिर टर्निंग लेके जो इस्कॉन मंदिर है, आप लोगों को पता है इस्कॉन मंदिर कहाँ पर है। सो इस्कॉन मंदिर जो रोड है, वो रोड पर आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ का मंदिर। सो आप लोग आइएगा, अच्छा लगेगा देखने में और मंदिर भी बहुत अच्छा बना। और हम सेवक मतलब पायल का यहाँ पर पहुँच गए, आप लोग देख सकते हैं। सो ये रोड जो आपको जाता है, सीधा जाने से आप लोग सालूगढ़ा होकर सेवक पहुँच जाएगा। सो हमको ये रोड पकड़ के जाना पड़ेगा, जो इस्कॉन मंदिर रोड में बना है केदारनाथ मंदिर, जो भोलेनाथ का मंदिर है। सो चलिए चलते हैं आप लोग को लेके। सो फाइनली हम अंचल बाजार में पहुँच गए। सो और थोड़ा सा दूर जाने से आपको इस्कॉन मंदिर मिलेगा। सो यहाँ पर ही केदारनाथ मंदिर बना है। सो आप लोग को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ जमा हुआ है, ये इस्कॉन मंदिर रोड है। सो चलिए अभी हम आपको मंडप के अंदर लेके चलते हैं। सो मैंने फाइनली अंचल बाजार में पहुँच गया, जो केदारनाथ मंदिर में आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर मंदिर है। सो चलिए मंदिर के अंदर आपको लेके चलते हैं। सो बहुत एक्साइटेड है, कभी मैंने केदारनाथ मंदिर में नहीं गया, सो अभी आया हूँ। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं गीतालपाड़ा स्पोर्टिंग क्लब। सो आप देख सकते हैं। हुबहू एकदम जो होता है केदारनाथ मंदिर ऐसे ही बना है, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। आपको सिर्फ हमको बेस्ट देना है सिलीगुड़ी का सबसे सेहरा पूजा का मंडल आपको दिखाना है, बस और कुछ नहीं। लग रहा है जो मैंने केदारनाथ मंदिर में आया हूँ, मेरा बहुत मेरा सपना है जो मैं एक दिन केदारनाथ मंदिर में जाऊँगा। सो फाइनली मेरा वो सिलीगुड़ी में पूरा हो गया। मंदिर घुसने से पहले आपको बीच में शिवलिंग को देखने को मिलेगा, जो केदारनाथ मंदिर में है। जो आवाज देखने को मिल रहा है एकदम बाबा भोलेनाथ का जप मंत्र है ये।
बाबा के पास।